प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। श्री कल्कि धाम मंदिर के बारे में कहा जा रहा है कि अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही यह मंदिर भी भव्य होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कल्कि को विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। वहीं कुछ समानताओं की वजह से कल्कि मंदिर को राम मंदिर से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आइए जानते हैं श्री कल्कि धाम मंदिर की खास बातें। भारत के इतिहास में राम मंदिर के बाद एक और भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। इसे लेकर हर किसी के मन में भक्ति भाव और आस्था की लहर उठ रही है। भगवान कल्कि को भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। पौराणिक मान्यता अनुसार जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो भगवान कल्कि अवतरित होकर धरती को पाप मुक्त कर देंगे। इस कारण से श्री कल्कि धाम मंदिर का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। राम मंदिर की भव्यता देखकर भक्त अंदाजा लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बनने वाले श्री कल्कि धाम मंदिर की भव्यता और सौंदर्य भी अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही होगी। अगर आपके मन में भी सवाल है कि श्री कल्कि धाम मंदिर कितना खास होगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस मंदिर को इतना खास क्यों माना जा रहा है। शिखर की ऊंचाई होगी 108 फीट। मंदिर की ऊंचाई की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण 11 फीट ऊंचे चबूतरे पर होगा और इसके शिखर की ऊंचाई 108 फीट रखी जाएगी। इस मंदिर में 68 तीर्थों की स्थापना होगी। कहा जा रहा है कि इस मंदिर में कहीं भी लोहे या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि पत्थरों से ही मंदिर के सौंदर्य को बनाया जाएगा। गुलाबी पत्थरों से होगा श्री कल्कि धाम मंदिर का निर्माण। इस मंदिर के रंग की बात करें तो श्री कल्कि धाम मंदिर गुलाबी रंग की छटा बिखेरता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब है कि कल्कि धाम मंदिर का निर्माण गुलाबी पत्थरों से किया जाएगा। इन गुलाबी पत्थरों को राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित बंशी पहाड़पुर से लाया जाएगा। आपको बता दें कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर और अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण भी इन्हीं पत्थरों से किया गया है। इस वजह से कल्कि मंदिर का कनेक्शन अयोध्या के राम मंदिर से जोड़ा जा रहा है। कब तैयार होगा मंदिर? भगवान विष्णु के 10 अवतारों के लिए 10 अलग अलग गर्भगृह बनाए जाएंगे। श्री कल्कि धाम मंदिर का परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा। इस भव्य मंदिर को बनाने में 5 वर्ष तक का समय लगेगा। माना जा रहा है कि इस मंदिर की भव्यता अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही होगी। श्री कल्कि धाम मंदिर का महत्व। श्री कल्कि धाम मंदिर के महत्व की बात करें तो धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि धरती पर जब जब पाप बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु धरती पर अवतरित होते हैं। त्रेता में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया था। वहीं द्वापर में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कलयुग के बारे में कहा जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर धरती पर जन्म लेंगे और उनके जन्म के बाद वे पापियों का संहार करके इस धरती को पाप मुक्त करेंगे, जिसके बाद कलयुग का भी अंत हो जाएगा। जन्म से पहले ही भगवान कल्कि की मूर्ति होगी स्थापित। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 432,000 वर्ष का है, जिसमें 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है। जब कलयुग अपने आखिरी चरण में होगा तो भगवान कल्कि का जन्म होगा। इस कारण से इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह अपने आप में ऐसा पहला मंदिर होगा जहां पर भगवान कल्कि के जन्म लेने से पहले ही उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी।
अगली कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन क्लिक करना न भूलें।